मांडेर में स्थित ऐतिहासिक काली माता मंदिर को बीती रात चोरों ने निशाना बनाया, जहां दान पेटी का ताला तोड़कर चोर उसमें रखे हजारों रुपए उड़ा ले गए। घटना मांडेर के ग्राम रामगढ़ में राजा योगनाथ द्वारा स्थापित काली माता मंदिर की है, जो कि एक ऐतिहासिक मंदिर है, जहां बीती रात चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया। चोरों ने दान पेटी का ताला तोड़कर उसमें रखे हजारों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद मंदिर से करीब 200 मीटर की दूरी पर एक खेत में पेटी को फेंक कर फरार हो गए। वहीं चोरों ने दान पेटी तोड़कर कागज के नोटों पर ही हाथ साफ किया, जबकि उसमें पड़े 5 और 10 के सभी सिक्के उसी में छोड़ गए। मंदिर के प्रशासनिक अध्यक्ष द्वारा लगभग 10,000 रुपए की चोरी बताई जा रही है। रामगढ़ काली मंदिर पर यह चौथा चोरी का मामला है, जिसमें अब तक एक घटना का खुलासा नहीं हो सका है। मंदिर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, पर चोरी की घटना पर बंद ही नजर आते हैं। ये जैसे भांडेर का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, रामगढ़ माता जी का मंदिर, इसमें आज रात्रि करीब 12 बजे के बाद एक चोरी की घटना हुई, जो हमारे संज्ञान में आई। तो हम लोगों ने यहाँ पे तस्दीक किया, तो लगभग 2-3 ताले तोड़कर जो मंदिर की बड़ी पेटी है उसको खेत में ले जाकर उसमें से कुछ पैसे लिए गए हैं और कुछ पैसे उसमें हैं। तो करीबन अभी 10,000 के आसपास अमाउंट है जो लगभग चोरी हुआ है और उसकी FIR हो रही है। पटवारी ने बताया कि यहाँ मंदिर के ताले टूट गए हैं, पर मैं अभी आया हूँ, दरोगा जी भी आ गए हैं, इनकी जांच करा रहे हैं, फिंगर एक्सपर्ट को भी बुला रहे हैं, वो चेक करेगा किसके द्वारा हुआ। मंदिर में जो 4 ताले टूटे हैं, पेटी में बाहर खेत पर डली हुई मिली है, उसमें भी ताला टूटा पेटी का, उसमें से जो भी दान में रखा था पेटी के अंदर वो चोरी गया है, और उसकी जाँच करा रहे हैं। मंदिर के जो 3 लोग यहाँ सो रहे थे, अभी पूछा हमारे पुजारी से, उनसे भी पूछताछ करेंगे कि वो यहाँ पर सो रहे थे, उसके बाद उनको आवाज़ क्यों नहीं आई यहाँ की ताला टूटने की। घटना तो बड़ी है, अब उसको जांच करते हैं, जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। भांडेर से अमित राजावत की रिपोर्ट।